हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एज बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं एंड हम मम्मियों को हमेशा से परेशानी रहती कि रोज़ टिफ़िन में क्या दे जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन हो और हेल्दी हो। एंड या तो मैं अब क्या करती हूँ, वीकली प्लान कर लेती हूँ जो हेल्दी एंड न्यूट्रिशन से होता है। एंड ऑफकोर्स उसमें रिधान की पूरी मर्जी शामिल होती है। उससे डिस्कशन के बाद ही मैं ये प्लान बनाती हूँ एंड उसे मैं वीकली या मंथली चेंज करती रहती हूँ। तो ये मैं वीक का पूरा प्लान बना लेती हूँ। प्लानिंग हो गई एंड टाइम आ गया है इसे इम्प्लीमेंट करने का। तो कुछ फूड है जो फ्रेश बनता है एंड कुछ जो हम एक रात पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मंडे को मैंने रिधान को दिया था लेमन राइस, तो उसके लिए मैंने लिया है चना दाल, लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, लाल मिर्च, करी पत्ता, पोटैटो एंड रोस्टेड चना, सांभर पाउडर, पीस भी ऑप्शनल है। अगर आपके बच्चे को अच्छा नहीं लगता तो आप कैरेट से रिप्लेस कर सकते हो। एंड हींग, जीरा एंड राई, तेल गर्म कर लिया है एंड मैंने यहाँ पर पहले पोटैटो को छोटे पीसेस में कट करके उसे फ्राई करके अलग से निकाल लूँगी। अगर मैं साथ में डालूँ तो वो जल्दी पकेगा नहीं। तो आपके बच्चे को ना जो भी वेजिटेबल अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आप उसे सबको लेमन राइस में डाल दो ताकि इसके अकॉर्डिंग बच्चे खा भी ले। फिर मैंने तेल में डाला जीरा एंड राई एंड लाल मिर्च डाला, मैंने यहाँ पर ग्रीन चिल्ली की नहीं ऐड किया, हींग डाल के फिर चना दाल डाला एंड उसे रोस्ट किया। रोस्ट जब चना दाल अच्छे से रोस्ट हो जाए तो उसमें करी पत्ता ऐड कर दो, करी पत्ता भी अच्छे से हो जाए। फिर उसमें मैंने ग्रीन पी ऐड कर दिया, इसे थोड़ी देर पकाना है। फिर मैंने हल्दी एंड सांभर पाउडर इसमें ऐड कर लिया, मैंने ऐसे रेड चिली पाउडर नहीं ऐड किया क्योंकि अगर वो बहुत तीखा हो जाता है। एंड बच्चों के अकॉर्डिंग, आपके बच्चे जैसा स्पाइसी खाते हैं आप वैसे स्पाइसी बनाओ। तो ये एक रात पहले वाली राइस है, बहुत पुरानी नहीं, बस रात में हमने जो राइस बनाई थी वो बचा था तो उसे ही मैंने रख लिया, फ्रेश भी बना सकते हो। इसमें मैंने नमक एंड सारे रोस्टेड पीस एंड पोटैटो ऐड करके अच्छे से मिक्स करा। लास्ट में गैस ऑफ करने के बाद इसमें बहुत सारा लेमन जूस डाला एंड अब इसे करते हैं लंच बॉक्स में पैक। तो ये लंच बॉक्स मैं रिधान का इंडिया से ही मंगाई थी, बहुत अच्छे हैं, स्टील के हैं। फिर मैंने इसमें लेमन राइस रख दिया एंड उसे साथ में मैंने मोटोज दिया है जो एक ऐसे स्नैक्स है एंड ग्रेटेड कैरेट, उसे ग्रेटेड कैरेट काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में मैंने अलग से रायता रख दिया है, बूंदी रायता, एंड उसके स्नैक्स के लिए आज मैंने उसे ऑरेंज दे दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट डे ट्यूसडे के लिए। तो ट्यूसडे को मैंने बहुत सिंपल सा उसके लिए ब्रेकफास्ट रखा था जो उसके पसंद का था, तो था आज एग सैंडविच विद चीज़। तो यहाँ पे मैंने पोटैटो ब्रेड लिया है, आप मल्टीग्रेन ब्रेड लेना, एंड मैंने चीज़ को बस बहुत सिंपल सा है, चीज़ को लगा लिया है एंड मैंने पूरे एग को गोल गोल कट कर लिया है। पता नहीं यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा फ्लैश ऑन हो गया था कि क्या, बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रही है। एग के पीसेस को रखने के बाद ऊपर से एक और ब्रेड लगा दिया है एंड उसे थोड़ा प्रेस कर लिया है। ब्रेड के एजेस को अच्छे से प्रेस कर लेना ताकि चीज़ बाहर ना आए एंड उसे ग्रिल कर लिया है। आप सैंडविच मेकर में भी डाल सकते हो पर ग्रिल वाले उसे काफ़ी पसंद है। एंड थोड़ा गर्म होने के बाद मैंने उसमें ऊपर से थोड़ा बटर भी ऐड कर दिया है ताकि वो अच्छे से बटर मिक्स हो जाए, नहीं तो अभी फ्रीज से निकला हुआ बटर तुरंत मिक्स नहीं होते। जब ये ग्रिल हो गया तो आप इसे किसी भी शेप में कट कर दो जिस शेप में आप कम्फर्टेबल हो और आपके बच्चे कम्फर्टेबल है। तो मैं इसे 2 पार्ट्स में इक्वली करके रेक्टेंगल शेप का दे कट कर दिया, ग्रिल करके कट करके एंड अच्छे से उसे पैक कर देते हैं। तो पैक कर दिया मैंने विद ग्रेटेड कैरेट एंड कुछ गमीज रख दिया है साथ में एंड इसका हो गया लंच। आज स्नैक्स में मैंने इसे कुछ पेड़ कट करके दे दिया था, फ्रूट्स में रिधान को पेड़ बहुत अच्छा लगता है। वेंसडे को रिधान के लंच में मैंने रखा था मिक्स दाल डोसा, तो इसे एक रात पहले ही मैंने प्रिपेयर कर लिया था। तो सारे दाल, तूर दाल, अरहर दाल, हरी मूंग, पीली मूंग एंड उड़द की दाल को ऐड कर दिया था एंड वॉश करके इसमें फिर मैंने मेथी के दाने ऐड किए। इसे मिक्सी में ग्राइंड करने से पहले मैंने पोहा ऐड करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया एंड ओवर नाइट इसे छोड़ दिया ऐसे ही। एंड नेक्स्ट डे मैंने इसका बनाया डोसा एंड डोसा के बैटर की तरह
इसके बैटर्स को रखना है एंड उसी प्रोसेस से आपको पूरा ये डोसा बनाना है। बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, प्रोटीन से पूरा भरा हुआ है एंड ऊपर से मैंने इसमें स्प्रिंकल करा था कुछ ऑरेगैनो एंड छोटे छोटे बनाए थे, बहुत बड़े बड़े नहीं क्योंकि टिफ़िन में देने थे। एंड इसमें मैंने डाला था स्क्रम्बल पनीर डाला था, तो पनीर में मैंने कुछ ऐसा मिक्स नहीं किया था, बस हल्का सा सॉल्ट मिक्स करके डाल दिया था। ऊपर से कैरेट एंड थोड़े से चीज़ डाल दिए थे क्योंकि उसने बोला था मुझे इसमें थोड़े से चीज़ी चाहिए, तो मैंने थोड़े से ऊपर से ग्रेटेड चीज़ ऐड कर दिए थे एंड इसे अच्छे से सेक लिए थे। तो ऐसे मैंने दो बना लिया था। अब मैं उसके पहले मैंने बटर पेपर ऐसे रख दिया है एंड उसके बाद मैंने ना उसके जो डोसे थे उसे ऐसे लाइन लाइन से लंबे लंबे से फिंगर्स चिप्स की तरह कट कर लिया है ताकि उसे खाने में बहुत ज़्यादा इजी हो, क्योंकि बच्चे ना ये थोड़ा बात करता है, खेलता है, तो मतलब इसके लिए हैंडी हो अच्छे से। साथ में मैंने कुछ ऑरेंजेस रख दिए हैं एंड मैंने साथ में कुछ गमी बेयर भी रखे हैं, तो इसका ऐसे ही लंच रहता है। एंड साथ में मैंने एक केचप रख दिया, वैसे वो केचप खाता नहीं पर रख दिया। एंड स्नैक्स में मैंने उसे दो बॉयल एग रखा है, अभी ठंडी आ रही है तो रोज़ बॉयल एग देना ज़रूरी है। आज मैंने उसे ना एक प्यारा सा नोट भी दिया था, कभी कभी मैं दे देती हूँ। फिर मैं उसे थर्सडे को आज बना के दे रही हूँ इडली फ्राई। तो रिधान को इडली फ्राई काफ़ी पसंद है तो मैं उसके लिए इडली फ्राई बनाती हूँ। तो मैंने ये सूजी वाली इडली बनाई थी एंड उसे कट करके रख लिया था। यहाँ पे मैंने लिया है करी पत्ता, हरी मिर्च एंड प्याज एंड ऑयल, ऑलिव ऑयल ऐड किया। पहले तो मैं घी ऐड करती थी पर अभी ठंडी आ गई है तो घी जम जाता है। फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया है कुछ राई के दाने, ज़्यादा कुछ मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि इसे के मुँह पर आता तो ये मतलब इसे अच्छा नहीं लगता, तो बस मैंने बस राय ऐड किया। फिर प्याज, करी पत्ता एंड मिर्ची को थोड़े देर फ्राई कर लिया है, इसे हल्के हल्के, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। एंड मैंने शिमला मिर्च ऐड किया, वैसे रिधान को पसंद नहीं है कैप्सिकम पर मैंने ऐड कर दिया ताकि वो फ्लेवर वाइज थोड़ा अच्छा लगे, हम भी थोड़ा बचा कुचा खा लेते। एंड उसे ऐड करने के बाद बस मैंने इसमें सॉल्ट डाला है एंड सांभर पाउडर डाला है एंड मैंने और कुछ भी नहीं डाला क्योंकि रिधान को बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है। और अगेन वो थोड़े फ्लेवर के लिए डाल दिया है तो ऑरिगेनो डालने से भी ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसके बाद इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें इडली ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हो पर रिधान को केचप नहीं पसंद है तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, तो और मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं देना है उसे इसीलिए। एंड अब पैक करती हूँ उसके लंच। तो आज उसे ये छोटे वाले लंच अभी हमने न्यू मंगाए हैं यहीं से, तो ये भी स्टील के ही है। तो इसमें मैंने रख दिया था इडली एंड साथ में रख दिया था बेसन का लड्डू और एक बॉयल एग रख दिया था। तो ये था इसका थर्सडे का लंच। अब है लास्ट डे फ्राइडे, तो फ्राइडे को मैंने इसे दिया है जापानीज सैंडविच। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के एजेस काट लिए हैं, बॉयल एग को पीसेस में कट कर लिया एंड उसके योक को मैंने निकाल लिया है। तो मैंने यहाँ पे एक एग का योक लिया है एंड उसमें कुछ मैंने मेयोनीज लिया है एंड साथ में मैंने थोड़े से बिल्कुल फ्लेवर के लिए कोरिएंडर लीव ऐड करा है। एंड मेयोनीज और योक को अच्छे से मिक्स करना है, उसमें ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डालना है, थोड़ा सा आप ऑरेगैनो भी डाल सकते हो एज चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो अगर आपके बच्चे स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो। एंड अगर आप घर पे खा रहे हो, तुरंत खा रहे हो, तो इसे थोड़ा और क्रीमी बनाना, थोड़ा थिन बनाना, पर मैंने थिक बनाया क्योंकि ये रिधान को स्कूल लेके जाना है। एंड छोटे पीसेस कटे हुए बॉयल एग को मैंने उसमें अच्छे से मिक्स लिया और एक अच्छा सा आपको ऐसे मिक्सचर बना लेना। ये काफ़ी टेस्टी एंड काफ़ी हेल्दी है, फुल ऑफ प्रोटीन। तो ठंडी आ रही है तो ठंडी में बच्चों के लिए प्रोटीन खाना बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे मैंने उसके ब्रेड में ना हल्का हल्का पहले से ही बटर लगा लिया था, उसके ऊपर से मैंने ये स्टफिंग लगाई अच्छे से। अगर आपके स्टफिंग थोड़े से ज़्यादा आपने चीज़ मिलाया है तो मोज़रेला चीज़ या योगर्ट मिलाया है तो आप इसे थोड़ी देर फ्रीज में सेट होने के लिए रखो, पर मैंने थिक रखा था इसलिए मैंने फ्रीज में इसे सेट होने के लिए नहीं रखा। एंड इसे आप ग्रिल भी कर सकते हो पर एज़ अदर रेसिपी ये ग्रिल नहीं किया जाता, ऐसे ही खाया जाता है और ऐसे ही बहुत टेस्टी होता है। ये आप अगर ऑफिस गोइंग है तो उस पर भी लेके जा सकते हो। एंड रिधान को ये काफ़ी पसंद है, वो हमेशा ले जाता है ये टिफ़िन में या कभी वो स्नैक्स में भी इसे ले जाता है। तो मैंने इस तरह से उसका लंच आज पैक करा, तो उसे रखा ये दो स्लाइसेस उसके, ये काफ़ी हेवी भी होता है एंड फुलफिल भी होता है। साथ में बेसन का लड्डू एंड एक केचप रख दिया था और फ्रूट्स में मैंने पेड़ डाल दिया था चाट मसाला के साथ।
ये थे 5 दिन के 5 रेसिपी। सो एट द एंड आपको खुशी तब होती है जब आपका बच्चा आपके एफर्ट्स को सराहना करता है, मीन्स वो अपने टिफ़िन फिनिश करके आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, स्कूल से आते पहले उसका टिफ़िन चेक करती हूँ। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको और आपके बच्चे को भी अच्छा लगा हो एंड आप दोनों के लिए हेल्पफुल हो। एंड कमेंट बिलो आपको कौन सा रेसिपी अच्छा लगा, और अगर आप इसका part 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बिलो ऑल्सो। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीक। बाय।